तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि गांव में जो दो दो हजार तीन तीन हजार की खाटे बिकती है ना मिट्टी के तवे मिट्टी की हांडिया मिट्टी के बर्तन इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं शहर से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं शहरों में कई गुना दामों पर बेच सकते हैं बाईस रुपए का एक उपला बिक रहा है लोगों का गाँव के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है की गाँव से भी पिकअप कराने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे आप पूरे विश्व में कहीं भी मेटल बेच सकते हैं जरूरत क्या होगी हाई प्रोफाइल है ना वो जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है वो बड़े महंगे दामों पर खरीद लेते हैं लेकिन वर्ल्ड क्लास हाइजीनिक स्टेनलेस स्टील किचन एंड रस्ट फ्री साउंडलेस टेक्नोलॉजी दोस्तों नमस्कार आज एक बड़े गंभीर विषय पर मैं बात करने वाला हूँ हमारी टीम जो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म संभालती है उन्होंने कहा सर हजारों की संख्या में लोग हैं जो एक प्रश्न करते हैं जो छोटे शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं कस्बे में रहते हैं तालुका में रहते हैं उनका एक बड़ा प्रश्न है कि सर हमारे लिए कोई काम बताओ हम अपने गांव से क्या काम कर सकते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे गांव से शहर में शिफ्ट होना है ताकि मैं अच्छे से पैसे कमा सकूं अपने जीवन यापन ठीक से कर सकूं तो दोस्तों मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं ना वो जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कम अनुपात में लोग गांव में रहकर पैसा कमाते हैं पर फिर भी उनकी इनकम लगभग बराबर होती है मान लीजिए आप गाँव से पलायन करके शहर में आ भी जाते हैं और आपकी जॉब लग जाती है तीस चालीस हज़ार महीना आपको सैलरी भी मिलती है तो ध्यान रखिएगा आपका किराया है और यहाँ के जो खर्चे हैं ना शहर के वो आपके लिए बहुत भारी होने वाले होते हैं अगर गाँव में रहकर भी आप बीस पच्चीस हज़ार कमाते हैं ना तो शहर के तीस चालीस हज़ार से वो कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट बिल्कुल अलग है लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गाँव में हम ऐसा क्या काम करें कि जहाँ पर तीस चालीस हज़ार पचास साठ हज़ार एक डेढ़ लाख चार पाँच लाख रुपए महीने तक हम कमा सकें क्योंकि गाँव में रहने वाले व्यक्ति ना वो सारी चीज़ों को बचपन से देखते आए हैं इसलिए कभी उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हमारे चारों तरफ व्यापार की अपार संभावनाएँ भरी हुई हैं आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे काम जिनको आप गाँव में अपने घर में बैठ कर कर सकते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम आती है मतलब माल को बनाने की लागत बहुत कम आती है वो प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं लेकिन जब उन्हीं प्रोडक्ट्स को शहरों में बेचा जाता है शहरों की जगह विदेशों में बेचा जाता है तो वही प्रोडक्ट 100 परसेंट दो सौ परसेंट पाँच परसेंट हज़ार परसेंट दो हज़ार पाँच हज़ार परसेंट तक का प्रॉफिट रख कर लोग बेच रहे होते हैं है ना तो आज कुछ बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से काम आप गाँव में रहकर कर सकते हैं और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब मैं आपको ये टॉपिक बताऊँ ना जब वो आपको प्रोडक्ट्स बताऊँ तो आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो गाँव में हो रहे हैं और जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं इन आइडियाज़ को समझ देखिए आप अपने चारों तरफ देखें तो गांव की जो महिलाएं होती हैं ना बहुत मेहनती होती हैं सुबह वो पूरा घर का खाना बनाने का, का काम करती हैं दोपहर तो में खेत का, का काम करती हैं फिर गाय भैंस दूध निकालना दही बनाना घी निकालना ये सारा काम करती हैं और उसके बाद भी अगर समय बच जाता है ना तो कंडे जो होते हैं ना उपले जिसे गोबर से थापे हुए उपले होते हैं आप देखो गांव में अगर कहीं भी जाओगे तो आंगन में या कहीं दीवार पर उपले लगे हुए आपको मिलेंगे खेत के वहाँ खाली सूखी जगह पड़ी हुई वहाँ उपले आपको मिलेंगे तो वो लोग क्या करते हैं उपले बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अब गाँव में सभी लोग तो उपले नहीं बनाते जिन लोगों को उपले चाहिए होते हैं ईंधन के रूप में यूज़ करने के लिए वो क्या करते हैं एक रुपया दो रुपये तीन रुपये पाँच रुपये में वो उपले उनसे खरीद लेते हैं जिन्होंने उपले बनाए हुए हैं या जिनके पास गाय भैंस हैं और उनको बिना किसी कॉस्ट के वो उपले बन जाते हैं तो उनको लगता है ये भी एक इनकम है आपको जान के आश्चर्य होगा शहरों में और विदेशों में उपलों की बहुत ज़्यादा डिमांड है लोग हवन करने के लिए पूजा सामग्री के लिए और कई ऐसे कामों के लिए उपलों का इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत है उस बिजनेस को सीखकर समझकर एक बड़े लेवल पर ले जाने की अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरनेट और स्मार्टफोन आपके पास है इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत आसानी से इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं अभी मैं अमेजोन पर सर्च कर रहा था और मैंने देखा कि गाँव में बनने वाली जो चीज़ें हैं ना उनकी कीमतें ऐसी हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते आप देखो गाँव में महिलाएँ या पुरुष जहाँ पर उनके पास समय होता है वो लकड़ी के बाँस के बाँस का इस्तेमाल करके और सन की रस्सी या निवाड़ का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं छोटे छोटे खटोले स्क्वायर जिसको हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूल के रूप में शहरों में स्टूल के रूप में यूज करते हैं तो खटिया खाट खटोले और बड़े बड़े खाट तखत ये सारी चीज़ें शहरों में भी बिकती हैं जब मैंने देखा कि भाई इनका अमेजोन पर प्राइस क्या है तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि गांव में जो दो दो हज़ार तीन तीन हज़ार रुपये की खाटें बिकती हैं ना सौ सौ दो दो सौ रुपये के मूड़े बिकते हैं वो यहाँ पर अमेजॉन पर आप देखिए सोलह हजार सात सौ रुपये की खाट एक कितनी छः बाई चार की खाट छः बाई तीन की खाट ग्यारह हज़ार चार सौ रुपये की इक्कीस हज़ार रुपये की खाट का सेट जिसमें खाट और चार वो खटोले जिसको हम बोलते हैं मैं देसी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कोरलेट कर पाएँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं अब अगर आपके गाँव में ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं महिलाएं है, युवा हैं जो ये खाट बनाने का काम कर रहे हैं आप उनसे वो प्रोडक्ट लीजिए अमेज़ोन फ्लिपकार्ट और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आसानी से आप बेच सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी शिक्षा हासिल की है ना दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अकाउंट खोल सकते हैं और इन चीज़ों को शहरों में कई गुना दामों पर बेच सकते हैं और एक एग्जाम्पल नहीं है खाट मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर देखो कि उपले का मैंने एग्जाम्पल लिया उपले एक रुपये दो रुपए तीन चार पाँच रुपए में बिकता है लेकिन शहरों में जब आप देखेंगे ना या एमेजोन की साइट को खोल के आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दो सौ रुपए के उपले हैं दस मतलब बाईस रुपए का एक उपला बिक रहा है जरूरत क्या है चीजों को समझने की अब ये सारी चीजें जैसे उपले हैं वहां पर तो बिना किसी कॉस्ट के बनने पर आप यहां पर देखेंगे तो उसका बहुत महंगा प्राइस है जैसे उपले हो गए अब घर में समय रहते रहते जब लेडीज़ खाली बैठी होती हैं तो वो क्या करती हैं सरकंडे के बांस की पट्टियों के या ट्रेडिशनल जो पुराना कपड़ा होता है उसके बीजने बनाती हैं इसको हम हाथ से चलाने वाले फ़ैन भी बोलते हैं हैंड फैन भी बोलते हैं है ना बीजने बोलते हैं कोई इसको पंखा बोलते हैं हाथ से झोने वाला पंखा तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन सौ रुपये पाँच सौ रुपये आठ सौ रुपये हज़ार रुपये में पंखे बिक रहे हैं हाथ के आज लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद कर रहे हैं लोगों का एग्रीकल्चरल के प्रति गांव के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है शहरों में तो बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं जहां पर एक पूरा थीम पार्क बनाया हुआ है जैसे प्रतापगढ़ फार्म है सूरजगढ़ फार्म है फिर उसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसी डेस्टिनेशन बने हैं जहाँ शहर के लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं गाँव का इन्वॉल्वमेंट अपने बच्चों को दिखाते हैं क्योंकि बहुत सारे शहर के लोग हैं जिनके गाँव ही नहीं है तो वो क्या करते हैं पेड टिकट पर इस इस तरह के पार्क्स में जाते हैं इस तरह की डेस्टिनेशंस पर जाते हैं तो मैंने बीजना का उदाहरण दिया तो आपके गांव में जो लेडीज़ इस तरह के पंखे बना रही हैं दस रुपये बीस रुपये तीस रुपये में बेच रही हैं और वो पंखे तीन सौ पाँच सौ आठ सौ नौ सौ हज़ार रुपये तक अमेजोन फ्लिपकार्ट ई बे और बहुत सारी साइट्स के माध्यम से बिक रहे हैं आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं आप फेसबुक के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई हमारे आसपास गाँव में कुरियर सर्विस नहीं है पेमेंट गेटवे क्या होगा तो आज यू हमारे देश का सबसे पावरफुल टूल है आप यू के माध्यम से पेटीएम के माध्यम से भारत पे के माध्यम से फ़ोन पे के माध्यम से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं और अपने गांव के जब आपके 10-20 कुरियर इकट्ठे हो जाएं तो गांव से थोड़ी दूर जो शहर है जहां कुरियर फैसिलिटी है वहां पर जाएं और वहां से वो मटेरियल सारा डिस्पैच कर दें कई बार क्या होगा कि वो शिपमेंट कंपनी है ना अगर वो देखती है आपकी 400-500 पाँच कुरियर आपके जा रहे हैं तो आपके गांव से भी पिकअप कराने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे है ना ये मैंने एक एग्जांपल बताया और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आप देखो हमारे गांव में शहद है या जगरीज को बोलते हैं एक तरह से शक्कर हम उसको बोलते हैं या गुड़ बोलते हैं तो गुड़ का जो चूरा बच जाता तो है उसको शक्कर बोलते हैं तो ये चीज़ें शहर में बहुत महंगी बिक रही हैं ऑर्गेनिक शहद है गाँव के आसपास चारों तरफ देखेंगे तो बच्चे होते हैं तोड़ तोड़ के शायद खूब खाते हैं तो वो शायद ऑर्गेनिक शायद बहुत बहुमूल्य शहद है उसको आप बेचकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आप देखिए गाँव में जब खेती करते हैं ना तो खेती के चारों तरफ सरकंडे उग जाते हैं और सरकंडों से ना वहाँ के क्रिएटिव लोग वहाँ के टाइम और इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं जैसे सरकंडों से बैठने के मूडे बने होते हैं सरकंडों से बैठने के लिए पूरे सोफा सेट तक बनाए हुए होते हैं है ना तो ये सारी चीज़ें शहरों में मैं इसको देख रहा हूँ ऑनलाइन जो दो दो सौ तीन तीन सौ रुपये में गांव में मूड़ा मिल जाता है या तो सरकंडे का बना हुआ एक सोफा जैसा चेयर मिल जाती है वो उन्नीस सौ पैंतालीस रुपये की उन्नीस सौ नब्बे रुपये की दो हज़ार रुपये की पच्चीस सौ रुपये की इतने हैवी रेट्स पर वो चीज़ें बेच रहे हैं क्योंकि शहर के लोगों के लिए वो एक क्रेज़ होता है कि यार गाँव से लाई हुई खाट हमारे पास है गाँव से लाया हुआ सरकंडे का बना हुआ मूड़ा हमारे पास है और इनके नेचुरल बेनिफिट भी हैं आज लोग इस बात को समझ रहे हैं इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देखिए मिट्टी के बर्तन हैं आपके गांव का कुम्हार है वो आपके दिए चिलम हुक्के और फिर आ, मर्तबान और सुराइयाँ मटके ये सारी चीज़ें बनाते हैं यहाँ तक तो आजकल आ, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उसका बहुमूल्य मूल्य समझ चुके हैं इसीलिए वो मिट्टी के तवे मिट्टी की हांडियाँ मिट्टी के बर्तन इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जितना हाई क्लास है वो उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझ रहा है कि नेचुरोपैथी की तरफ उसको जाना चाहिए तो ये बिज़नेस आप कर सकते हैं आपने क्या किया कि भाई जो आपके यहाँ के कुम्हार हैं उनसे बातचीत कर ली कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्शन कर लिए फोटोग्राफ़ अमेजोन फ्लिपकार्टन इन सभी पर अपलोड कर दिए और जब ऑर्डर आया तो यहाँ से आपने डिस्पैच कर दिया प्रॉपर घास फूस लगा के अच्छे से गत्ते के डब्बे में पैकिंग करके वहाँ से बैठ के आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब केवल ये नहीं कि गाँव से आप शहर में बेच पाएंगे आप पूरे विश्व में कहीं भी मेटल बेच सकते हैं ज़रूरत क्या होगी बैंक अकाउंट आपके पास है या यू पेमेंट आपके पास है या आप बैंक अकाउंट के साथ साथ किसी भी मर्चेंट एक्सपोर्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये मटेरियल है मुझे एक्सपोर्ट करना आप मेरा माल भेज देंगे तो मर्चेंट एक्सपोर्टर भी आपको आसानी से आपका माल एक्सपोर्ट कर देगा आपके बिहार पर बिना आपको किसी से सिरदर्दी के या अगर आप चाहें तो डीजीएफटी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं और उसके बाद गाँव में बैठकर बहुत सारा मेटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं आप देखिए पहले मूवीज़ में दिखाया था ना कि गांव का एक जमींदार होता है या गांव का एक बड़ा व्यापारी होता है वो क्या करता है पूरे गांव से अनाज खरीद लेता है और उसके बाद शहर में ले जाकर उस अनाज को बेचता है तो ये पुराने ट्रेडिशन समय पर भी हुआ करता था और आज भी ऐसा होता है अच्छे बड़े व्यापारी होते हैं वो गाँव जाते हैं वहाँ से जितनी भी चीज़ें एग्रीकल्चरल की हैं दालें हैं मसाले हैं सब्ज़ियाँ हैं फ्रूट्स हैं फल हैं अनाज है ठीक है और गाँव की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो चीज़ें खरीदते जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं गाँव के आसपास बहुत सारे खेत और जंगल होते हैं जहाँ नायाब जड़ी बूटियाँ होती हैं और हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता हम लोग वहीं तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं तो शहरों के लोग जब वहाँ जाते हैं चीज़ें लाते हैं उनको पैक करते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के अलावा डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल करते हैं तो मिट्टी के बर्तन उसका एक एग्ज़ाम्पल हो गया इसके अलावा मैंने बताया कि अगर आप गाँव में देखें ना तो दादी नानी या घर की काफ़ी जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं उनके पास एक्स्ट्रा समय होता है वो हैंडमेड मसाले कूट कर रखती हैं हल्दी हो गया फिर आपका मिर्च हो गया काली मिर्च हो गए ऐसे बहुत सारे मसाले वो बना कर तैयार करती हैं तो ये हैंडमेड मसाले बहुत बहुमूल्य होते हैं जो लोग हाई प्रोफाइल है ना वो जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है वो बड़े महंगे दामों पर खरीद लेते हैं लेकिन आपसे नहीं खरीदते क्यों क्योंकि आपको पता ही नहीं है बेचा कैसे जाएगा तो जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो क्या करते हैं गांवों में जाते हैं चीजें खरीदते हैं और शहरों में आकर भेज देते हैं जरूरत है अपने स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करने की अपने स्मार्टफोन से ही आप घर बैठे सब काम कर सकते हैं फिर इसके अलावा दादी नानी जो अलग अलग तरह के अचार बनाते हैं आम का अचार नींबू का अचार करेले का अचार गाजर का अचार सैकड़ों तरह के अचार आपके घर परिवार में बनते हैं हम लोग केवल स्वाद के लिए उसको खाते हैं या एक दूसरे को गिफ्ट भी कर देते हैं अपनी फैमिली में शहर वाले जो रहते हैं लोग गांव में अगर किसी के लिंक का रिलेटिव है बोलते हैं चार भेज देना कभी बोझ दे सरसों का तेल भेज देना तो ये एक ट्रेड भी किया जा सकता है है ना और ऐसे एग्जाम्पल हैं मैंने एक एग्जाम्पल आपको अचार का दे दिया शहद का एग्जाम्पल दे दिया इसके अलावा कुछ ऐसे सामान हैं कि जहाँ आप गाँव में रह के ही छोटी सी शॉप किरियाना स्टोर हो गया या जैसे आप देखें कि गाँव के आसपास ना मोबाइल फ़ोन लगभग हर व्यक्ति के पास है तो वहाँ उनको रिचार्ज करना है या एक्सेसरी चाहिए या और नया कनेक्शन खरीदना है तो मोबाइल फ़ोन शॉप खोल सकते हैं गाँव के छोटे छोटे यंगस्टर लड़के शहर में आते हैं गफार मार्केट करोल बाग या इस तरह की मार्केट से माल खरीदते हैं एक बैग भर के लेकर जाते हैं और शॉप पर पूरे टाइम वो बेचते हैं आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखकर गांव शहर के आसपास के कस्बों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं बैटरी चार्जर एक्सेसरी पावर बैंक हेडफोन है ना और अलग अलग तरह के पैकिंग मटीरियल होते हैं मोबाइल फ़ोन के ये बिज़नेस भी किया जा सकता है जरूरी नहीं कि आपको शहर में पलायन करके पहुंचना है क्योंकि गांव की मिट्टी में अगर आप वहां रहते हैं तो वहां बैठ के भी आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना पैसा एक शहर वाला नहीं कमा रहा है कई केसेस में तो देखा गया है कि आ, कुछ लोगों ने क्या किया कि अपने गांव में एक बर्तन भंडार खोल लिया बड़ा सा जहाँ पर शहरों के अलग अलग फैक्ट्री से टाई अप करने के बाद वहाँ से बर्तन खरीदे और वो बर्तन रखना शुरू कर दिया एक मेरा स्टूडेंट है उसने बर्तन भंडार खोला हुआ है और वो शादियों के बर्तन का सेट बना दिया एक बर्तनों का सेट अगर कोई किसी की शादी हो रही दहेज में देने के लिए इक्यावन बर्तन का सेट दो सौ इक्यावन बर्तन का सेट तो वो एक साथ मतलब कहाँ एक ग्लास चम्मच कटोरी बेचना और इकट्ठा एक, एक साथ इतना बड़ा सेट बेच देना शहरों के आसपास जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से फर्नीचर ले लिया जैसे शादी में देने वाला पूरा फर्नीचर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम होता है ये सारे काम है उसके अलावा रेडीमेड गारमेंट का काम कर लिया ठीक है शहरों में आते हैं टैंक रोड हो गया गफार मार्केट के आसपास हो गया गांधीनगर हो गया फिर आपका ये लुधियाना हो गया वहाँ से वुलन खरीदते हैं जीन्स खरीदते हैं टी शर्ट्स खरीदते हैं गाँव में उसकी भी बहुत डिमांड है गाँव के यंगस्टर्स अगर देखें तो वो भी ये सारे कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ से लेकर जाते हैं शहर में शॉप खोलते हैं तीस चालीस पचास हज़ार रुपये रेंट है और वहाँ तीन हज़ार पाँच हज़ार दस हज़ार में उनको दुकान मिल जाती है कई बार तो ऐसा देखा गया कि गाँव के बीच में ही कहीं पर एक जगह रख कर सामान इकट्ठा बेच देते हैं तो ये वो तरीके हैं जहाँ आप गाँव में रहकर भी शहर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और ऐसा हज़ारों लोग कर भी रहे हैं कुछ लोग तो शहरों से पलायन करके गाँव में जा रहे हैं पहले ये होता था कि भाई गाँव में काम धंधा नहीं है वहाँ के लोग प्लान करके शहर में आ रहे हैं और अब शहर के लोग भी गांव में जा रहे हैं ताकि जीवन खुशहाल जी सकें शहरों में इतना पोल्यूशन है इतना स्ट्रेस है इतनी प्रॉब्लम्स हैं इतने ज़्यादा खर्चे हैं जीवन के जीने के लिए है ना इसके अलावा अगर आप डिजिटल की थोड़ी सी नॉलेज कर लें आज देखिए पहले कहते थे ना कि गांव में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है लेकिन इंटरनेट है तो इंटरनेट के माध्यम से आप सोशल मीडिया के ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए गूगल कंटेंट के जरिए चैट जी के ज़रिए अपने हर सवाल का जवाब जान सकते हैं उन चीज़ों को सीख कर समझ कर अपने लिए एक छोटा सा बिज़नेस का दायरा डेवलप कर सकते हैं और उसके अनुसार आप रेगुलर काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं ज़रूरत है चीज़ों को सीखने और समझने की तो ये मैंने आपको कुछ काम बताए हैं और अगर आपके अंदर अच्छे नॉलेज है आपके पास स्मार्टफोन है आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यूट्यूब वीडियोज़ बनाकर आप बहुत सा अच्छा पैसा कमाते हैं कमा सकते हैं लोग गाँव के ट्रेडिशन को देखना चाहते हैं कि देखो आज मैं दिखाऊँगा कि भाई गाँव में देसी चूल्हे पर रोटी कैसे बनती है आज मैं दिखाऊंगा भैंस का दूध कैसे निकाला जाता है आज दिखाएंगे खेत में पानी देने कब कम किसान कैसे जाता है खेत की कटाई कैसे होती है ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है तो ये वो वीडियोज़ हैं जिसको शहर के लोग देखना चाहते हैं उनके मन में लालसा है कि भाई गाँव का लाइफ क्या है आपने पूरा लाइफ साइकिल दिखा दिया है ना ये वो तरीके हैं जिनसे आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं ज़रूरत नहीं है कि गाँव से पलायन करके शहर में आएंगे तभी आप पैसा कमाएंगे आप गाँव में रहकर भी शहर के मुकाबले कम पैसा भी कमाएंगे ना तो भी आपकी बचत ज़्यादा होगी क्योंकि आपके खर्चे वहां पर लिमिटेड होंगे कम खर्चे में आप आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे तो ये कुछ आइडियाज़ थे उन लोगों के लिए जिनके मन में एक विचार रहता है जी हम तो गाँव में रहते हैं तो हम करें क्या हमारे पास काम का जरिया नहीं है हम गांव में रहते हैं हमारे पास शिक्षा नहीं है हम गांव में रहते हैं हम पलायन करके शहर में आना चाहते हैं यहाँ जॉब करना चाहते हैं दोस्त आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं अगर आपके अंदर योग्यता और काबिलियत है तो आप जंगल में बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसे आइडियाज हो सकते हैं क्योंकि मैंने जो ट्रेडिशनल आइडियाज बताए हैं वो वो चीजें जो मैंने देखी हैं आप मुझे बताइए एक और मैं बिजनेस आपको बताता हूं अभी जब एमेजोन पर मैं सर्च कर रहा था तो हमारे गांव में ना चटनी बनाने के लिए चटनी बनाने के लिए या किसी चीज को पीसने के लिए सिल बटने का इस्तेमाल करते हैं और गाँव में चालीस पचास रुपए का सौ रुपए तक का सिल बटना बिक जाता है मिल जाता है अगर किसी से लेते हैं हैंडमेड कुटा हुआ सिल बटना होता है एक लाल रंग का पत्थर है उस पर निशान डाले हुए और एक बटना बनाए हो तो वो सिल बटना दो दो हजार तीन तीन हजार पांच पांच हजार पर एमेजोन पर बिक रहा है तो एक व्यक्ति तो शहर में यही काम करता है गांव में जाता है जितने सिल बटने बनाने वाले हैं उन सब से खरीद लेता है बड़ी मोल भाव करके बड़ी झिकझिक करके कि बेचना बड़ा मुश्किल है ले जाना बड़ा मुश्किल है मैं तो इकट्ठे आपका सारा माल ले रहा हूं और पचास रुपए नब्बे रुपए सौ रुपए में खरीद लेता है और या दो हजार तीन हजार पांच हजार में बेच रहा है तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी की पावर आपके हाथ में भी है इसके अलावा कम से कम मुझे दस ऐसे पॉइंट और बताएं जो काम गांव के हैं जिनको आसानी से किया जा सकता है पैसा कमाया जा सकता है और शहर में आने की कोई जरूरत ना पड़े उसके लिए आप ऐसा क्या करें कौन सा प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो और बिजनेस से संबंधित सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाने वाली है कहीं जरूरत नहीं है कहीं भागने की कहीं आने की कहीं जाने की बहुत पैसा खर्च करने की बिना किसी कॉस्ट के आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो वो प्रश्न हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिजनेस से संबंधित जानकारी आपको आपके घर पर आपके मोबाइल फोन तक पहुंचे स्वस्थ रहें मस्त रहें मस रहे, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत